हरियाणा फिल्म है, ये नाम तो इसका हरियाणा है, लेकिन ये फिल्म एक हरियाणा बेस इसलिए क्योंकि ये हरियाणा की कहानी है और ये एक फिल्म इमोशनल लव स्टोरी नहीं कहेंगे, एक इमोशनल स्टोरी कहेंगे। ये इसमें दिखाया गया तीन भाइयों का जो संबंध है, भावनात्मक संबंध है, इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो भाई होते हैं किस तरह से रहते हैं, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों से किस तरह से प्रेम करता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, मतलब उनको आगे बढ़ाना चाहता है और उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता है। तो इस तरह से यश टोंक ने बहुत अच्छा कार्य किया है और दोनों जो उसके भाई बने हैं, दोनों कलाकार, उन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका को ठीक जमे हुए हैं। और डायरेक्शन राजा बसवाना, डायरेक्शन बहुत अच्छा संदीप बसवाना, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है उनका। और इस तरह से एक सामाजिक फिल्म, पारिवारिक फिल्म बनाई है उन्होंने। यह फिल्म सभी पूरे परिवार के साथ आनंद लिया जा सकता है। और इसमें कुछ कुछ जैसे पॉइंट्स हैं, जैसे छोटा जो भाई है वो आलिया भट्ट को प्रेम करता है, आलिया के प्रति दीवाना है। तो जैसे एक नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाता है कि भाई हम फिल्म देखते हैं, हीरोइन के प्रति आम युवा जो है, जो लड़के हैं उसके दीवाना बन जाते हैं, फिर उसके सपने देखने लगते हैं। तो ये सब कुछ थोड़ा मज़ेदार पहलू है और फिल्म इंटरेस्टिंग है कुल मिला करके। इस फिल्म को मैं दूंगा 3 स्टार। और इसके संगीत पक्ष भी बहुत अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, सिचुएशनल सॉन्ग हैं और कलाकारों का काम बढ़िया है। और एक बढ़िया पारिवारिक फिल्म है। और इस आपके जिस बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़े बड़े मल्टी स्टार की फिल्में आ रही हैं, वहाँ पर इस फिल्म को भी देख करके आनंद लिया जा सकता है। पिक्चर बहुत पसंद आई, मैं खुद भी हरियाणा से हूँ तो इसलिए मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट था कि पिक्चर देखूँ। है यश टांग का मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, लोकेशन अच्छी है, गाने अच्छे हैं, एक आखिर में मैसेज भी है। जैसे लोग फिल्मों को, हीरोइनों को देख के सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँ, है जब यहाँ पर पता चलता है तो वहम ख़त्म हो जाता है। जो लोग इस तरह के सपने देखते हैं उस लोगों को, उन लड़के लड़कियों को पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। सभी एक्टरों ने अच्छा काम किया है और भाषा तो वैसे हरियाणवी है लेकिन इसको हिंदी में ना, ये बहुत अच्छी बात है ताकि सब लोग इसको देखें। मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई। डायरेक्टर जी का बहुत अच्छा रोल है, शुरू की जब स्टार्टिंग होती है तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे लोकेशन उन्होंने शूट किया है, जिस तरह से उन्होंने कैमरा एंगल है, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ये जो पिक्चर, वैसे तो नाम इसका हरियाणा है लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई और अच्छा शूट किया और ये पिक्चर चलेगी देखना आने वाले टाइम में। मैं इसको 4 स्टार देता हूँ। नाइस मूवी, वेरी गुड कॉमेडी विद अ मैसेज इन इट, बट डजंट मेक एनी जोक्स अबाउट पर्टिकुलर रीजन और एनीथिंग, जस्ट अ स्मॉल कमेंट ऑन द स्मॉल टाउन फ्लेवर ऑफ द पीपल, वेदर हाउ we have forgotten our culture in small cities and big cities, but the flavor of the villages and towns is that most people are Hindi speaking or culturally Hindi speaking. Yash Tonk was good, Ashlesha Sawant was good, rest all the cast was good. Yeah, he was very good. I think it's his debut film, is very good. Yes, songs are very good, especially Tau was good and the Bombay song was good also. मैं 4 दूंगा। या श्योर, एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर, भले कुछ भी है, ये जो है जो अपना जो पिक्चर में स्टोरी का बेस है और बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई, जिसने भी बनाई अच्छी पिक्चर बनाई। ये जो है जो अपना जो है जो उसका बड़ा भाई है ना, बाकी एक चीज़ है कि ऑल टुगेदर मैंने सब अच्छे एक्टिंग किया है। बाकी एक बात है कि भाई स्टोरी का बेस अच्छा है कि मुंबई का जो है जो आन बान शान जो है उसका, और गांव वाले जो है जो आते हैं, तो लेकिन क्या है कि लेकिन अच्छा दिखा है। ये समझो ना, मैंने अराउंड 3.5। हरियाणा अच्छी लगी मुझे फिल्म, काफ़ी अच्छी लगी, एक्टिंग बहुत अच्छी है और फिल्म की कहानी भी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, कई मुद्दे भी उठाए गए हैं फिल्म में। जात पात का एक जो दिखाया गया है या और भी बहुत कुछ है, हरियाणा का एक फैन जो बताया गया है वो भी बहुत अच्छा है, आलिया भट्ट का एक फैन रहता है, यश टोंक ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, आलिशा सावंत ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले, गाने भी अच्छे हैं, गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन कमाल का है,
संदीप जी का डायरेक्शन जो है वो कमाल का है। आलिया भट्ट का फैन जो बने हैं वो भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, तो वो एक कहानी अच्छी जाती है। तीन ट्रैक चल रहे हैं एक साथ फिल्म में, अच्छा दिखाया गया है। नहीं नहीं, लोग देखना चाहेंगे इसको, ऑफकोर्स फैमिली फिल्म में है। मैं 2.5 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू। मूवी वॉज वेरी गुड। आई थिंक नाउ कॉन्टेंट इज द किंग, बिकॉज आप देखें कि बड़े बैनर्स चाह रहे हैं लेकिन कॉन्टेंट की वजह से इज गोइंग। अभी स्मॉल मूवीज है, स्मॉल बजट मूवीज है, लेकिन इट्स कॉन्टेंट इज गुड। सो या यश टॉन्ग वॉज गुड, वेरी गुड ही वॉज, एंड इवन द स्मॉल जुगनू इज ऑल्सो एक्टेड वेल। या इज गुड, इज वेरी वेल डायरेक्टेड द मूवी, बिकॉज डायरेक्शन इज वेरी गुड एंड इट्स गोइंग इन वन फेज, लाइक इट्स नॉट दैट इट्स नॉट गोइंग अप देयर और इट्स नॉट गोइंग, सो डायरेक्शन I think it was a bit mix of Hindi more, Haryana was less, so I think Haryani language is something different. So songs were okay, songs were average. Yeah, I would say 3.5 stars, so that would be okay. But I would tell the audience that do watch such movies, they have got good content, and rather than going in for big banners and all, but these small movies prefers. Thank you.